पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए एक नया पाकिस्तानी वीडियो लेके आई हूँ, तो एक बार वीडियो देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। पार्लियामेंट का ये हाल होता है बाकी ममालिक में, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में है। Nice. अगर पता तो ये हरकतें करें, ये ओछे हथकंडे के देखे रे क्या करें। म्यूजिक ये किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं ये? किसी पे इल्जाम लगाए कि इसने ये इशारा किया, उसने वो इशारा किया, ये कैसा माहौल है? क्या मैसेज दे रहे हैं आप लोग? मेरे पास उनके लिए सिर्फ एक शब्द है, क्यों? पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। अच्छा, लेकिन नहीं भाई, इनसे तो उम्मीद रखना मेरे ख्याल से बेवकूफी आज के बाद। अच्छा, आप देख लेंगे, मछली बाजार लग रहा है, वान लग रहा है आपको, पार्लियामेंट लग रही है। अच्छा, मुकद्दस है वान, इस वान के साथ मुकद्दस का लफ्ज लिखा हुआ है, उसी का पास रख लें, उसी का ख्याल रख लें, थोड़ी इज्जत रख लें। नहीं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं। कर्जे 11-12-20 अरब डॉलर के चक्कर में हम जमीन पर लेट जाए और सब कुछ चाइना को दे दें, तो सही वही बात होगी जो कोर कमांडर बलूचिस्तान ने कहा था कि हम सिर्फ उनके टायरों में पंचर लगाते रहेंगे और अपने होटलों पे खाना खिलाएंगे और ये पूरा रीजन चाइना टेक ओवर कर लेगा। आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं, कभी घबराना नहीं है। आप कह रहे जा बहुत ठीक है, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। देखिए, बात मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ जी कि पाकिस्तान फिफ्थ जनरेशन वॉर को हार रहा है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। वो इतनी शर्मनाक और खतरनाक है कि हमें अगले 50 साल के लिए मकरूज कर गएंगे, गुलाम बना गए। सीपैक जैसे एक मंसूबे के तहत डेवलप किया था और चाइना और श्रीलंका कर्जा नहीं अदा कर सका, तो चाइना ने टेक ओवर कर लिया श्रीलंकन पोर्ट को। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। ये जो सी पैक है, ये प्रोजेक्ट ही नाकाम हो जाए। इसमें अमरीका भी शामिल है, मिडल ईस्ट के कुछ मुल्क भी शामिल हैं, लेकिन जिस दिन बन गया तो मेरा अपना ख्याल है कि 1-2 साल के बाद खुद इंडिया कहेगा कि मैं तरदी कर बैठा हूं, मुझे इसका हिस्सा बना। क्या बोला तूने? खुद इंडिया कहेगा कि मैं तरदी कर बैठा हूं, मुझे इसका हिस्सा बना। आर्टिकल 370 एंड 35 ए की एब्रोगेशन के बाद उसके होते हुए हम भारत से यार्न इंपोर्ट करें, ये दुरुस्त होगा? मॉरली दुरुस्त होगा? सच पूछिए तो मेरे लिए जो भरी वाला मुकाम है वो यही है। नाइस। कि हम ने जो शराइत रखी थी भारत के साथ मुजाकरात के लिए, हम उन्हीं शराइत से बिल्कुल हट रहे हैं। छोटी सी एक इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करके आप एक पूरे कॉज को डैमेज करें, ये बात भी मुनासिब नहीं, तो मैं तो मॉरली इसको ठीक नहीं समझता। क्योंकि तेरी औकात नहीं है, समझा? भारत जो है वो हमें इन्हीं चीजों में उलझाता है। अच्छा, और एक बार फिर मैं समझता हूँ कि वो कामयाब हो गया है हमें इसी दो तरफा मुजाकरात में उलझाने के लिए। अच्छा, कॉटन भी वहां से इम्पोर्ट करें भारत से। अच्छा, फार्मास्यूटिकल्स भी लें। अच्छा, वैक्सीन, कोरोना वायरस की वैक्सीन भी वहां से लें। अच्छा, जिसे कहते हैं हमीयत, गैरत नहीं हम लोगों में। क्या बोला तूने? जिसे कहते हैं हमीयत, गैरत नहीं हम लोगों में। अबे साले,
लेकिन सुन के अच्छा लगता। और जिनको भी मेरे वीडियो से दिक्कत या परेशानी है उनके लिए एक छोटी सी मोटी सी पेशकश। पाकिस्तान की माँ का बोस्ता। अच्छा मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जैसा कि इन्होंने आपसे पहले बड़ी अजीबोगरीब सी गुफ्तगू की जी, तो इन्होंने आने से पहले ये भी कहा कि फिर मुझे और भी कुछ फायदे चाहिए आपसे, आप समझ रही मैं क्या पूछना चाह रही हूँ? प्यारी समझ गई। बिल्कुल। और ये कि तुम रात मेरे साथ गुजारोगी? माधर चोद रंडी का औलाद, उसकी गांठ से गाना निकालेंगे हम। सुबह की नमाज तक हम साथ में होंगे और फिर उस वक्त हम ये करेंगे। और पेशानी अपनी इधर करो, मैं तुम्हारी पेशानी पे बोसा देना चाहता हूँ। और तुम जबान निकालो, मैं तुम्हारी जबान पे वो करना चाहता हूँ। और मैंने कहा कहते हैं, और मैं बात में टाल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जी मुफ्ती साहब आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, आप एक दफ़ा आ जाए। और ये चीज़ें मेरे पास हैं, मैं आपके अमले को दे के जाऊँगी, आप ऑन एयर करना चाहें तो आप ऑन एयर कर दीजिएगा सारी चीज़ें। और फिर मैंने कहा जी आपको एक मिनट के लिए ऐसा नहीं लगा कि चलें बदला मैं ना लूं इनसे, ये मैं प्रोग्राम ही कैंसिल कर दूं, ये तो फजूल बातें करने पर आ गए? नहीं, तो मुझे आपको पता है आपके दिल में बदला का वो इतना था कि मैंने बदला लेना थप्पड़ मारना है। हाँ फिजा, और जिस रेस्टोरेंट में, अच्छा सबसे पहले मैं इनको इस रेस्टोरेंट में लेके गई, ये मेरे भाई का है शानदार शिनवारी, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, उनके रेस्टोरेंट में मैं लेके गई। और शुक्र है हर जगह मेरे साथ मेरी टीम मौजूद थी और मैं उनके साथ यूं चेयर पे बैठी, और इस बंदे ने वहाँ पे मुझे चेयर के पीछे से हाथ लगा के जब टच किया तो मैंने कहा यहाँ पे अगर किया तो फिर सारा प्लान कैंसिल हो जाएगा, तो नहीं अभी इसको कंट्रोल करने हैं, बस ये सारी चीज़ें हो जाएँ फिर एक ही दफ़ा। इनको एक थप्पड़ ही नहीं पड़ा, इनको मैंने जूते भी मारे हैं। आई होप आपको वीडियो देखने में बहुत मजा आया होगा कि अब आप सोचोगे वीडियो खत्म होने के बाद मैं क्यों प्रकट हो गया हूँ, मैंने क्यों अवतार ले लिया भाई इस वीडियो के अंदर। तो उसका एक रीजन, तो दोस्तों रीजन ये है कि हमारे देश में ज्ञानियों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये वीडियो जो है ओनली द बॉस का है, ओनली द बॉस का। अगर मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो लोगों को पता चलेगा वीडियो देखने के बाद में, तो वो नीचे ज्ञान देंगे, और एक ज्ञान देना शुरू करता है तो 50 लोग एक साथ में ज्ञान देते हैं उसको देख देख के, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर भेड़ चाल बराबर लगी। तो उन ज्ञानियों को, उन ज्ञानचंदों को थोड़ा सा मैं बाखबर कर दूं कि ओनली द बॉस हमारा ही चैनल है, उस चैनल में कुछ मोनेटाइजेशन इशू आ गया है तो उधर से कुछ वीडियो हटाने पड़ेंगे, तो वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। ये वीडियो काफी अच्छा वीडियो रिस्पॉन्स मिला इस वीडियो के ऊपर, तो आपके भाई को ये लगा कि हम क्यों ना इसको उधर से उठा के इधर ट्रांसफर कर दे इंडियन मीडिया लेटेस्ट पे, ताकि इंडियन मीडिया लेटेस्ट के व्यूअर को भी ये पता रहे कि हाँ ये भाई का कहीं दूसरा चैनल है, तो दूसरे चैनल का वीडियो इधर शिफ्ट किया है, ताकि हमें गाली गलौज ना सुनना पड़े। और जिनकी आत्मा तृप्त हो गई है कि वो कम से कम गाली लिखने वाले थे, वो पूरा वीडियो देख के अगर गाली लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे, लेकिन जो आधे वीडियो में गालियाँ लिखना लोग शुरू कर देंगे, लेकिन भाई ये प्रकट हुआ है तो भाई के प्रकट होने का रीजन भी सिर्फ यही था। तो ऐसे वीडियो अभी अगले महीने से बनने वाले वापस से रोस्टिंग वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, क्योंकि आपका भाई ऐसे रोस्टिंग वीडियो की मसालेदार वीडियो की भरमार करने वाला है बस अगले महीने से। अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण, जय श्री राधे राधे, वंदे माता।